बिक्री की जा रही दूषित रबड़ी को खाद्य विभाग के द्वारा पकड़ा गया। राया कस्बे में बिक्री की जा रही एक कुंटल रबड़ी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने जब्त किया। गाड़ी में एक कुंटल रबड़ी भरी हुई थी। मौके पर पहुंचकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रबड़ी का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेज दिया। बताया गया कि डीओ अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर की सूचना पर राया पुलिस ने मार्ट रोड पर गाड़ी संख्या UP DD 0079 में बिक्री की जा रही एक कुंटल रबड़ी को पुलिस ने जब्त किया और उसे थाना राया ले आई। सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सोमनाथ और डॉक्टर मुकेश कुमार थाना राया पहुंचे और रबड़ी के दो नमूने लेकर प्रयोगशाला भेज दिए। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया उक्त रबड़ी भरी गाड़ी सादाबाद से भरकर राया क्षेत्र के आसपास बिक्री के लिए आई थी, जिसके दो नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे हैं। ज्ञात रहे कस्बे में दिन प्रतिदिन दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री जोरों पर चल रही है। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। कोई रबड़ी की गाड़ी पकड़ी है, क्या मामला है? आज हमें अपने डीओ साहब के द्वारा जानकारी दी गई है जी कि राया में एक गाड़ी पकड़ी गई है जो रबड़ी जिसमें लदी हुई है जी। ओमनी वैन है, उसकी जांच करने के लिए जी। तो हम लोग यहां पर आए और उसे यहां राया के थाना परिसर में उसे देखा कि ओमनी वैन है जिसमें लगभग 7 कंटेनर लदे हुए हैं जिनमें रबड़ियाँ भरी हुई हैं, लगभग 1 क्विंटल 20 किलो के लगभग हैं। और इनसे नमूना लिया गया है। नमूने के उपरांत जो है उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला से जो भी जांच आएगी उसके बाद इनके खिलाफ जो है विरुद्ध एफएसएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, चालक फरार है या गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, चालक यहीं पर है, कोई फरार नहीं है। चालक और उसके मालिक दोनों हैं यहाँ पर जो है, कोई फरार नहीं है, दोनों ही।